इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, सीटों के बगैर, कारपेट के बगैर, और दिस इज हाउ इट लुक्स। गुड यार रफा भाई, साफ गाड़ी रखी हुई है यार। ठीक है, रेडी अप। Assalamualaikum, welcome back to another vlog। आजकल मेरे जो vlogs हैं वो इस खिड़की के सामने कमरे से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे ज़रा ये होता है कि सामने से लाइट पड़ रही होती है, यू नो जब आप एक व्लॉगर होते हैं तो आप ढूंढते हैं रोशनी मिले, रोशनी जहाँ से लाइट अच्छी पड़ रही हो मेरे ऊपर। तो सबसे पहले की हाल चाल है सबका, ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इंटीरियर की बात करनी है गाड़ी की थोड़े से। तो इंटीरियर जो है ना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया होगा कि बोरिंग हो गया, मज़ा नहीं आ रहा ज़रा ना। तो उस इंटीरियर की बात करने से पहले हमें एक बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार चीज़ मिली है इंटीरियर के हवाले से ही, और वो हमें भेजी है ऑक्स LEDs। आई एम श्योर आप इनके पेज से वाकिफ होंगे, अगर नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे इनका पेज चेक कर सकते हैं। ऑक्स LEDs की तरफ से हमें रिसीव हुई है सर, डायनेमिक एम्बिएंट लाइट के नाम से। डायनेमिक एम्बिएंट लाइट के नाम से लाइट है। इसके कुछ डेमोज जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि ये कैसी दिखेगी। अब फिलहाल अभी तो हम इसको गाड़ी में लगा नहीं रहे, क्योंकि अभी हमने इंटीरियर को थोड़ा सा साफ सुथरा करवाना है। उसके बाद जब इसको इंस्टॉल करेंगे, एंड आई एम श्योर कि इनका बहुत मज़ा आने वाला है। डेमोज जो मैंने इनके पेज पे देखे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, ठीक ठाक गोरा स्टाइल प्रीमियम चीज़ है, तो इसका मज़ा आएगा। तो इंस्टॉल करेंगे नाडो के अंदर, लेकिन अभी नाडो के हालात थोड़े से डाउन है। जे निकल दे जनाब, हमें रियल RS की फेसलिफ्ट कन्वर्जन नज़र आई है, और मैं कहता हूँ मज़ा आ गया भाई। इन्हें ये फिर मार दिए यहाँ से हल्की सी, पता नहीं इसको क्या बीमारी है यार। दीज लुक्स अमेजिंग इन बम्पर्स के साथ स्पेशली, जो भी ये गाड़ी रैप होनी है ना उसके बाद चस करानी है एक दफ़ा इसने। परफेक्ट टाइम है इस टाइम गाड़ी को रैप करने वाला। पर अब अगर इसकी बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ज़िंदगी में मैंने कभी इतनी गाड़ी गंदी नहीं रखी, और इतनी गाड़ी गंदी रखने के पीछे एक मकसद था, और वो मकसद ये है कि गाड़ी के, क्योंकि हम इंटीरियर पे आ रहे हैं, इंटीरियर की तरफ जाने से पहले मैंने सोचा है कि गाड़ी बहुत टाइम हो गया होगा, तकरीबन एक साल गुजर गया। पिछली जब ये वाइट थी तब मैंने कहीं इसको एक दफ़ा डिटेल कराया होगा कि डेढ़ साल पहले, उसके बाद से ये चलती आ रही है। और अब सीटों पर अगर आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि सीटें गंदी हैं, इंजन बे गंदा हुआ हुआ है, नीचे से फर्श गंदा हुआ हुआ है, तो दरवाजे ये वो चीज़ें अपना मैली हो रही हैं। तो क्योंकि इंटीरियर को हमने चेंज करना है, ये सारी चीज़ें चेंज होनी है, तो पहले एक दफ़ा इसको साफ़ करा लिया जाए तो वो बेहतर ऑप्शन है। तो वही करवाने आज हम निकल रहे हैं। इसका बिफोर आफ्टर चेक करने के लिए हमने इसको गंदा रखा हुआ है। ये बिफोर गाड़ी लग रही है ऐसी, जब हम इसको साफ़ करके आज इस व्लॉग के एंड में आपको दिखाएंगे, गाड़ी होगी नीट एंड क्लीन अंदर बाहर, इंजन बे हर तरफ से। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मैल किधर किधर है इसकी। पहले तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो भाईजान ओवरव्यू देते हैं आपको गाड़ी का। बाहर से तो गंदी है ही है, और अंदर अगर आप इसके आएँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैल छल नज़र आएगी। ये सीट के हालात आपको नज़र आ रहे होंगे, दिस पीछे भी ये मैल कुचैल ये सारा मैला हुआ पड़ा है। छत मेरे ख्याल से साफ़ है गाड़ी का, छत और पिलर्स। मेन मकसद है गाड़ी के रूम को अंदर से साफ़ करना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। मट्टी शट्टी इसके अंदर, मट्टी ये ऊपर मट्टी। तो इंजन बे भी माशाल्लाह से कसर कोई नहीं छोड़ी, फुल गंदा है, क्योंकि ट्यून च्यून को होती रही है गाड़ी, तो मट्टी शट्टी है सारा खुल के। ये भी क्लीन मिलेगा, और इसके बाद इंटीरियर भी सारा। तो ये आज की वीडियो का हमारा मकसद है। गाड़ी के बाहर वाली साइड पे, एक्सटीरियर पे, रैप्स पे और रिम्स और एयर, इस पर हम लगे रहे हैं। इंटीरियर की तरफ अभी हम नहीं आए, लेकिन अब हम इंटीरियर की तरफ आ चुके हैं। अब हमें ज़रा चाहिए अंदर से पप्पू नाडो। पहुंचते हैं जाके डिटेलिंग स्टूडियो, और इसको करते हैं ज़रा साफ सुथरा। गेज का फ़ायदा जो है ना, गेज का फ़ायदा वो हमें देख लें, ये हुआ है कि ये भी हमें बता रही है कि आगे 62 है, पीछे 38 है। तो इसको अब हम आगे से गिराएंगे नीचे। चल भाई, 30 लिमिट है हमारी सेफ, जिसमें गाड़ी का स्प्लिटर टच नहीं होता। और पीछे से भी हम इसको गिरा देंगे तकरीबन 25 तक। This is the good height. Let's go.
तो जनाब वी आर हेयर एट डैब डिटेलिंग सेंटर, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत वाली डिंकियाँ जो उस दिन ई मैनेजर वाले उमर भाई थे, ये मेरे ख्याल से उनकी लग रही है, डोंट नो उनकी है कि नहीं, क्योंकि सेम लग रही हैं। और जो मज़े की चीज़ है वो आपको मैं इधर दिखाता हूँ कि दो दो नाडो खड़ी हैं इधर, एक नाडो छोटी बहन नाडो ऑलरेडी साथ खड़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। हमारी नाडो भी साफ़ नहीं लग रही, लेकिन अभी इसको साफ़ करने का प्रोसेस शुरू हो गया हुआ, तो बिफ़ोर और आफ्टर के रिजल्ट आपको भी दिखाते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है गाड़ी का, वो मैं देख के भी हैरान हो रहा हूँ कि गाड़ी हमारी अंदर से गैप हो चुकी है साथ। एक तो आपकी गाड़ी डिटेल हो रही है और साथ आपको ये खूबसूरत यार, ये गाड़ी मैं कहता हूँ क्या बात है, जिनकी भी है कमाल कर गए आप। ये मेरे ख्याल से हमजा भाई की है, सारी गाड़ियाँ साथ खूबसूरत डिंकियाँ बोलता हूँ मैं इसको, तो साथ आपको ये व्यू इंजॉय करने को मिल रहा है, साथ आपकी गाड़ी डिटेल हो रही है, वेरी गुड सीन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, सीटों के बगैर, कारपेट के बगैर, और दिस इज हाउ इट लुक्स। और आपको नज़र आ रही होगी ना गोलियां और कैंस और डबल टेप और ये गोली, यार जफा भाई साफ गाड़ी रखी है यार। यह नाजरीन वो स्टूडियो जहाँ पे अभी आपको यहाँ नाडो खड़ी हुई नज़र आएगी, और आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू डैब ऑटो कॉन्सेप्ट। स्टूडियो आपको मिलेगा टाउनशिप कॉलेज रोड पे, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। और आपको मैं रिजल्ट फाइनल दिखा देता हूँ, डिटेल्स में जाके काम किया है, पूरा काम किया है, बेहतरीन काम किया है। अभी गाड़ी की कुछ यहाँ पे शॉर्ट्स लेंगे, जरा लाइटें शाइटें अच्छी मिल गई हैं इधर। मीट हमजा भाई एंड माना भाई और अब्दुल रहमान, जिन्होंने हमारी गाड़ी कर दी है डिटेल, डिटेलिंग, रैपिंग, पीपीएफ और इस तरह के जितने भी काम हैं वो सारे आपको अंडर वन मिलेंगे। लोकेशन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, कॉलेज रोड, टाउनशिप वाला कॉलेज रोड है, के ऊपर डैब ऑटो कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो है, वर्कशॉप है, आप सर्च कर सकते हैं। आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज वगैरह आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और यहाँ पे आके अपना काम करवा सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि अपनी नाडो जो शुरू में आपने देखी कि क्या हालत थी आते हुए, और अब उसकी फाइनल चमक तमक जो भी होगी वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। हाँ भाई लाइट, बस बस बस
रेडी अप डाउन स्लो स्लो अप डाउन स्लो 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 बहुत